नहीं देखिए माइक लो, हमारी जिज्ञासा है कि हम जाने कि वाकई ये सब चीज सही है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। सही, मैंने कहा वाँ, कि पूछो। तो मैं जिज्ञासा के लिहाज से मैं चाहता हूँ जानना। महाराज जी, पहले तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा हम पे बनी रहे और हमें आपकी चरण पादुका चाहिए है। क्यों? सेवा दिल से चाहिए हमें बस। ठीक है। और चरण पन्ने आपके। ठीक है। सपरिवार मान लो। प्रश्न करो आप। बस प्रश्न यही है हमारे और कुछ नहीं। ठीक है, यही है जी। ठीक है, और कोई बात? अब बोलो आप, इनको कौन सा नंबर निकाल दें? एक नंबर। फाइनल? फाइनल। अरे यार फंसा दिया तुमने। नहीं नहीं, दो निकालो यार। नहीं, नहीं। हैं? दो बोल दो प्लीज। नहीं नहीं, अब मैंने मान लिया कि मैं आपको फंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं परख रहा हूँ। नक्कटा। ये कितना नंबर है सर? एक नंबर। माइक से बोलो। एक नंबर। आप भी आना चाहते क्या? आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। यहां तक आ जाओ, जाली तक। क्योंकि नजदीक आने के लिए अभी आपने अर्जी नहीं लगाई है। गुरु जी, हमें पहले पता चली कि जी वाले ही हमें उठाएंगे। अच्छा, इसी प्रलय भाई ले ओ, हमारे तो चेला लो सिद्ध है। तुम तो छोड़ो, पढ़ो यहीं से। आपके परिवार की उथल पुथल आज से ही बंद। कृपा चाहते हैं, केवल आशीर्वाद चाहते हैं। सुख शांति व पादुका भी मिलेगी और आशीर्वाद भी है। जय जय श्री राम। इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा और तो कुछ पूछा नहीं, यही भर पूछा, वही भर पर्चे ने लिख के दिया। मैंने बच्चे को लेकर इसको देखा कि बच्चे को लेकर कष्ट में है, तो मैंने कहा कि बच्चे वाले इसको आना चाहिए। छोटे बच्चे, लेकिन जो इन्होंने बोला वो पर्चा बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्षर सा अक्षर बोलो सीताराम जी। गुरु जी चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, दे दे भी। नहीं, चरण पढ़ रहे हैं। ले पढ़ ले। खुश रहे। दो बातें और हैं, एक तो नया काम करना है, उसकी कृपा होगी, बढ़ जाएगी। अभी तुमने एक मित्र के साथ में चर्चा की है, तो रिश्तेदार को मत करना, अकेले करो। ठीक। दूसरी बात यह है कि उथल पुथल स्वास्थ्य का मचा है, पेट की दिक्कत मची है, बुखार बीमारी नज़र लग जाती है। ठीक है, ये तीन कारण हैं। उसमें भी आराम लगेगा, पत्नी को भी आशीर्वाद, पूरा परिवार जीवन भर बालाजी से जुड़ा रहेगा, ये भी आशीर्वाद। जय जय श्री राम। बात एकदम सही जी, एकदम बिल्कुल सही। चलो बढ़ो।